के सिख पंथ जोड़ा है वो सरकारी दरबारी निकली कमेटी जी है वो प्रवान नहीं करेगा। हैरानी की गल है कि जेडे ये दोष लाते कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान जोड़ा है वो बादलों के लिफाफे चो निकल रहा है, अज उ बंदे जोड़े है वो सरकार के लिफाफे चो निकलने वास्ते तरलो मच्छी हो रहे हैं। हरियाणे के सिख श्री अकाल तख्त साहब पर भरोसा रखते हैं और श्री अकाल तख्त साहब समुचे हरियाणे के सिखा के नाल। अज हरियाणे के सिखा का एक बड़ा वफद उतों के सिख सरदार जगदीप सिंह झींडा की अगवाई दे अज इत्थे साडे कोल आया और उन्होंने जिहड़ियां गल्लां कीतियां बिल्कुल वाजब है कि सिख पंथ जिहड़ा है वो सरकारी दरबारों निकली कमेटी जी है वो प्रवान नहीं करेगा और असं भी इन्हां सिखां दी इस गल दे नाल सहमत हैं। हैरानी की गल है कि जेडे ये दोष लाते कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान जोड़ा है वो बादलों के लिफाफे चो निकल रहा है, अज उ बंदे जोड़े है वो सरकार के लिफाफे चो निकलने वास्ते तरलो मच्छी हो रहे हैं। इन दिन गलों के दम है। श्री अकाल तख्त साहब हमेशा ही दुनिया भर के सिखा का है, दुनिया भर के सिखा का रहना, तो दुनिया भर के सिखा का सी। हरियाणे के सिख श्री अकाल तख्त साहब पर भरोसा रखते हैं और श्री अकाल तख्त साहब समुचे हरियाणे के सिखा के नाल है। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। गाना चाहांगा अज असी हरियाणे के हर वख वख जिलों तो सारे नुमाइंदे सिंह साहब नाल एक बेनती लेके आए सां सिंह साहब के चरणों च कि जो हरियाणे दे विच एक घटनाक्रम वापर रहा है, हरियाणे की वक्री गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की मंग असां हरियाणे के सिखां की स्वयमान वास्ते लड़ी सी, बस सिखां का स्वयमान बरकरार रहे क्योंकि 1966 तो बाद हरियाणा पंजाब वखरा हो गया ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा हरियाणे के सिंघां नाल भेदभाव वाला वर्तिया रखिया। जदों जन्म होया हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का असी बाल साहब वड्डे बाल साहब सुखबीर बादल जी होर भी चंदू माजरा जी दलजीत सिंह चीमा जी होर तोता सिंह जी पहले रहे बीबी जगीर कौर जी चौड़ा साहब सारे अगर बेनतियां करते रहे कि हरियाणे के सिखां का हक हरियाणा में दिता जाए। स्टेट वक्री हो गई है, एक्ट 1966 का जोड़ा है रीऑर्गनाइज एक्ट जो पंजाब ते हरियाणा बनिया सी उस एक्ट भी तो दस्तखत किए ने तो पार्लीमेंट के भी दस्तखत ने भी सैक्शन 72 कॉलम नंबर 3 में जो हरियाणा वखरा होगा हरियाणा की गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा सिख बना सकते। उस आधार से आप 22 साल तक लड़ाई लड़ी तो पिछले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने भी उस 2014 के एक्ट बनाए न प्रवानगी दी तो हरियाणा की गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी कानूनी मानता मिल गई। उस तो बाद असी जेडे पिछले कमेटी के मैंबर चले आ रहे सां जेडे पिछले कमेटी के मैंबर सन जिन्हें साडे नाल संघर्ष किया उन्होंने इस सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग बुला के डिजोल्व करता गया तो गवर्नर साहब तो यह परमिशन ले ली कि यह हुण गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी सरकार द्वारा गठित करे। उस कमेटी विच जेडे मैंबर लै गए बड़ा दुख होया मैनू, पहला तो लिस्ट पढ़ के तो क्योंकि मेरे नाल लखां लोग सिखां दे जुड़े सन। असी एक बार सत श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के चोणां चो 11 साथियां 7 सीटां भी जीतियां, इस करके लखां सिंह मेरे नाल जुड़े सन, हज़ारां सिंघां ने मेरे नाल संघर्ष किया। 22-23 साल का बड़ा लम्मा संघर्ष सी साडा। जदों मैं लिस्ट वेखी तो मैनू ना अनजाणे जे लगे, फिर CM साहब ने इंट्रोड्यूस जदों मीटिंग बुलाई चंडीगढ़ च CM हाउस तो मैं वो चेहरे देख के हैरान रह गया भी ये लोग तो जिहड़े ने ये तो हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का विरोध ही नहीं करते रहे बल्कि उल्टियां गालां तक हरियाणा गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी मंगण वाले कहिंदे रहे ने। तो ये अज गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साडी हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी का हिस्सा बन गए ने ते बने ने सरकार की वजह नाल। मैं ये नहीं कहिंदा भी कल्ले CM साहब इहदे विच उन्हां दी मनोपली रही है, हो सकदा उन्हां सारी सरकार विच अपने जिन्ने MLA MP मिनिस्टर सारे की ले ही हो,
पर वह जी रह ले गई वह केवल तो केवल अज नज़र आती है कि वह सारे RSS के नाल जुड़े लोग ने। मैं पहलू तो जानते ही नहीं सा क्यों की पता लगता कौन कितने जुड़िया है, पर जो उन्होंने मेरे बैकग्राउंड उन्होंने इलाकों ने मैं दसी कि तो सारे इन किरदार योजे ने, उस करके मैं बड़ा दुख होया कि मैं जेडे स्वयंमान की लड़ाई लड़ी सी 22 साल सिखा वास्ते तो अज वो मैं स्वयंमान जोड़ा ना वो कहता हो नज़र आया गल। जे फिर यहोजी कमेटी गठित होनी सी तो फिर सानू 22 साल लड़ाई लड़ के श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नालों वक्रे होने की की लड़ सी, 22 साल लड़ाई लड़न की की लड़ सी। आह गड्डिया तड़वाइया जेलों च गए, रेलों डकिया, जी टी रोड जाम किए, बड़ा लम्मा संघर्ष साडा रहा। तो असी इल्जाम यह लाते रहे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बादल परिवार से भी इतने लिफाफे प्रधान निकलता है तो सानू ये मंजूर नहीं प्रधान मैंबर राही हाउस के चुने जाए, क्योंकि मैं 8 साल श्रोमणी कमेटी का मैंबर रह चुका हाँ, मैं सारी पिक्चर का पता सी। तो इस करके जी हूँ कमेटी ये तो लिफाफे तो ही वध हो गई, ये तो एक सिखां दे उत्ते एक बहुत वड्डा धक्का हो गया, जावर हो गया कि सिखां उत्ते कमेटी वो बंदियां दी थोपी गई जिन्होंने मेरे ख्याल सिख सूरत सिख तो है नो हो सकता अमृत भी CM साहब ने उन्होंने कई कह के हूँ ही छकवाया हो, पहले अमृतधारी भी ना हो, पहले उन्होंने की किरदार सन मैं उन्होंने बारे कुछ नहीं कहता। पर मैं भी आत्मा की आवाज़ के उत्ते मैं परसों यमुनानगर के संगत के दबाच, क्योंकि सारे हरियाणे की सिख संगत इस गल का विरोध कर रही थी भाई चिंडा हाँ या तो इस्तीफा दो तो या सरकार की झोली बह जाओ, तो मैनू यमुनानगर की संगत बुला के लोगों ने संगत ने पूछा भी तुम सरकार ना रहना चाहते हो कि संगत ना रहना चाहते हो। मैं क्या मैंने तुम विचारन का टाइम देना सी, सरकार ने कमेटी बनाई है CM साहब नाल सलाह कर लेंगे, वो कहन लगे नहीं कोई सलाह नहीं सानू तो इतने बैठे दस वे संगत नाल जाना कि सरकार नाल। मैं संगत नूं चुनिया, मेरी आत्मा की आवाज़ ने मेरे जमीर ने यह कहा वे चिंडा साहब जब संगत ही इस्तीफा तेरा मंगती है तो ये तू संगत नूं चुन, इस करके मैं आत्मा की आवाज़ से अपनी जमीर नूं पहचान देना। मैं इस्तीफा उत्थे लिख दिता तो परसों यमुनानगर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं अपना इस्तीफा पेश किया। कल फिर मैं अपने जेडे मेरे पुराने साथी जेडे संघर्ष रहे सन कुरुक्षेत्र मीटिंग बुला के उठे असा 4 फैसले लाए। पहला फैसला तो होया कि अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब न अपना दुखड़ा रोया जाए, जिवें उन्हीं दा दिशा निर्देश देणगे, जो साडा मार्गदर्शन करनगे उन्होंने चलते हुए फैसला लिया जाए, क्योंकि साढ़े तो सुप्रीम सिख कौम के स्क्रीन पर साडा अकाल तख्त साहब जथेदार ही ने ना, भावें हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट है पर साड़ी सिखां दी सुप्रीम पावर जिहड़ी अकाल तख्त साहब है। इस करके अज असी उन्होंने कोल ये आस लैके आए सां। दूजा असां 3 मते होर भी पाए कि हरियाणा सरकार नूं छेती तों छेती इलैक्शन करवाना चाहिए ते इलैक्शन कमीशन छेती तों छेती स्थापित करे ताकि इलैक्शन छेती तों छेती हो सके ते ही गुरु घरां दी अपनी जिहड़ी सेवा है वह छेती तों छेती संभाल सकी। अज सिंह साहब कोल आए हां, उन्हें बड़ा माण सत्कार किया है, 2 श्री साहब उन्होंने मैं भेट किए ने, एक बुढ़ा दल का एक अकाल तख्त साहब वालों, मैं उन्होंने तह दिलों धन्यवाद करना वा। आई संगत का उन्हें बड़ा माण किया है तो उन्होंने सानू आशीर्वाद दिता है कि चिंडा साहब मैं जिन्ना चर असी जिन्ना चर अकाल तख्त साहब जहे रहेंगे साडा आशीर्वाद तेरे सिर पर रहेगा, हूँ मैं कोई दुनिया की परवाह नहीं, आप जहेदार साहब तो सेध लेंदे हुए उन्हों का मार्गदर्शन लेंदे हुए अपना कौम की लड़ाई लड़ांगे, सिख कौम की लड़ाई लड़ांगे जिदे सारी दुनिया के सिखां की चढ़दी कला होवे ते सिखां ते हमेशा कुर्बानियां करके आजादियां लईयां, कुर्बानियां करके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई ते जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी उन्हां मसंदां कोलों छुड़वाई गई जिहड़े गुरु घरां ने हां बन दिंदे ते हुण साडा इक पिछां प्रधान बनिया सी मेरे तो बाद बनिया अपने आप में हूँ भी प्रधान कहता है वो मैं गुरु घर मत्था टेकन गया ठीक है साडा हैड ऑफिस भी तो उन्हें सारे गुरु घर के दरवाजे बंद कर ले। मैं आख्या फिर ये तो 1920 वाला हाल हो गया, असा गुर हरियाणे की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की होया सू संघर्ष कर साडा जोड़ा मौके का प्रधान है वो ही गुरुद्वारे साढ़े हैड ऑफिस के सारे दरवाजे बंद करके तो भज जाए भगौड़ा हो जाए। तो इस करके मैं दिल बहुत दुखी है भरिया दुख दिल सी तो जथेदार साहब को मैं अपना दुखड़ा रोना है सारी संगत नाल मेरे ते उन्हें सानू जेड़ा अगली योजना हुण की है जी जे 30 मेंबरी कमेटी बनाई हुई है हरियाणा सरकार ने इस ओ चलूगी जां इस तरह जी देखो आपां उस कमेटी दे हिस्सा नहीं रहे, मैं ते कमेटी नकार दिता उसनू, आपां संगत दे जांगे अपना संगठन तैयार करांगे
सिंह साहब के मार्ग दर्शन के अनुसार चलांगे। जिस तरह आप बैठ के विचार करते रहेंगे, सिख संगत नाल हर जिले में जाके विचार करांगा। विचार करने तो बाद सिंह साहब नूं सारे हरियाणा के सिखां की रिपोर्ट पेश करांगा, फिर अगर जिहड़ी गल होएगी प्लानिंग होएगी वह फिर अगर छेती करांगे।